दोस्तों मैं गोविंद माली आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों राजस्थान में राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2024 से यदि आपके व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी हुई है तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसमें मिनिमम जो जुर्माना है वो 5,000 का है। तो दोस्तों 1 अगस्त 2024 से आपके व्हीकल पर यदि आपका व्हीकल टू व्हीलर का हो या फोर व्हीलर का हो, जो भी आपका व्हीकल है उस व्हीकल के ऊपर आपको 1 अगस्त 2024 से हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना जरूरी है। तो दोस्तों हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के लिए आपको कहां जाना है, हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के लिए जो आपको ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करना है वो कैसे करना है, तो दोस्तों इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो अब आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा HSRP रजिस्ट्रेशन, ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा HSRP रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा, जो सेम द एपेक्स नेशनल बॉडी, ये ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बुक HSRP इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। तो दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। तो अब आपको सबसे पहले फुल नेम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर आपको फुल नेम यानी कि आपके जो व्हीकल है वो किस नाम से, उसका नाम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अपना स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट सिरोही है तो सिरोही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हाई आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। प्लीज सिलेक्ट योर व्हीकल ब्रांड फॉर बुकिंग, यानी कि व्हीकल बुकिंग करने के लिए आपको ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस ब्रांड का आपका व्हीकल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके आपको अपने व्हीकल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना, मान लीजिए कि आपका व्हीकल टू व्हीलर है तो टू व्हीलर को सिलेक्ट कर लेना, आपका व्हीकल कार से संबंधित है फोर व्हीलर का है तो फोर व्हीलर, यानी कि जो भी आपका व्हीकल है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके जो कंपनी है उसको सेलेक्ट करके आपको, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा व्हीकल टू व्हीलर का है और बजाज कंपनी का है तो बजाज पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में जैसे ही बजाज पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। अब आपको सबसे पहले किसी के ऑर्डर योर HSRP नाउ इस तरह का ऑप्शन आता है, या किसी के अप्लाई नाउ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आपको अप्लाई नाउ या ऑर्डर योर HSRP नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको फिटमेंट लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो HSRP ऑर्डर टाइप है, यानी कि आपका व्हीकल नया व्हीकल है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट लेना है, यदि आपका पुराना व्हीकल है तो आपको डिमेज बोथ HSRP किट, यानी कि दोनों साइड की आगे पीछे की, ठीक है। उसके बाद में आपको पिन कोड आपके जो आपके पिन कोड है वो आपको फिलअप करने, उसके बाद में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में व्हीकल सेसिस नंबर, और उसके बाद में आपके व्हीकल इंजन नंबर है वो आपको फिलअप कर लेना है। जैसे फिलअप कर लेंगे तो अब आपको वेरीफाई सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाती है तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। अब आपको सबसे पहले अपनी सिटीज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि उस सिटीज को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आप नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिटीज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको डीलर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डीलर को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन डेट, व्हीकल टाइप, व्हीकल क्लास और
फूल टाइप, इंजन टाइप, रजिस्टर्ड व्हीकल, ऑनर नेम, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जिसके नाम से आपका व्हीकल है, ठीक है। उसके बाद में आपको बिलिंग स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कि अपना बिलिंग स्टेट राजस्थान है, तो राजस्थान को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको बिलिंग एड्रेस टू लैंडमार्क, जो भी आपकी सिटीज है वो आपको यहां पर फिलअप कर लेनी है, यानी कि आपको बिलिंग एड्रेस यहां पर फिलअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, यहां पर आपको अपने जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिलअप कर लेने, कोई भी मोबाइल नंबर यहां पर चल सकता है, ठीक है। यानी कि आपके जो सालू मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको फिलअप कर लेने। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे और ओटीपी फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होता है, यानी कि आपके ऑर्डर से संबंधित जो बिलिंग एड्रेस है वो आपके सामने आ जाता है। तो उसके बाद में आपको पे एंड नाउ पर क्लिक करना है। जैसे पे एंड नाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेमेंट करने के जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाते हैं। तो अब आपको, यदि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करके, जैसे क्यूआर कोड आपके सामने आ जाते हैं तो अब आप आसानी से क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कर देंगे तो आपका जो बिलिंग जो प्रिंट है वो आपको, यानी कि आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस जो पेमेंट रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये जो आपने जो स्लॉट बुकिंग किया है उस टाइम आपको जरूरी होती है, यानी कि उस टाइम आपको बतानी जरूरी होती है, तभी आपके नंबर प्लेट लग सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और काफी लाभदायक वीडियो होगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।